लॉकडाउन से हर कोई परेशान है। इंसान से लेकर जानवरों पर लॉकडाउन का असर साफ देखा जा सकता है। लॉकडाउन के बीच जानवरों के पास भोजन के लाले पड़े हुए हैं, तो कई जगह लोग जानवरों की मदद के लिए सामने भी आ रहे हैं। राजधानी देहरादून में पशु विभाग के डॉक्टर और सामाजिक संगठन किस तरह स्ट्रीट डॉग से लेकर अन्य जानवरों को खाना खिला रहा है, तस्वीरों के माध्यम से साफ देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं रोटियां भी बना रही हैं। बताते चले कि यहाँ जानवरों के लिए रोज 800 से 1000 रोटियां बनाई जाती हैं। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसका नाम है सेव द स्ट्रीट ड्यूरिंग लॉकडाउन। इस ग्रुप के माध्यम से पहले ही हफ्ते में 300 से ज़्यादा लोग जुड़ गए थे और आज हम 600 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि लॉकडाउन के एंटायर पीरियड में एक भी सड़क पे जानवर, एक भी स्ट्रे एनिमल भूख से परेशान ना हो, और हम रोज़ 2000 से ज़्यादा स्ट्रे एनिमल्स को न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक भोजन खिला रहे हैं। और हमारे 40 के करीब वॉलंटियर्स हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए पूरे देहरादून में स्ट्रे एनिमल्स को फीड कर रहे हैं, और 600 मेंबर्स में से बाकी सब हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे इस मिशन में, और ये बहुत सक्सेसफुल।